दोस्तों वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप लोग यूज़ करते हो मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट्स होती है जो हमारे वीडियो बहुत सारे वीडियो एक स्क्रीन पर चलाती है और हमें वॉच टाइम को गेन करके देती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो वॉच टाइम डिक्रीज हो जाता है, व्यूज डिक्रीज हो जाते हैं। और डिक्रीज क्यों होता है, वो वॉच टाइम क्यों हमारा डिक्रीज हो जाता है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाइज मेनली बात हुई है कि आपका वॉच टाइम डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि आपको मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन आपको यूज़ करना नहीं आता, वो वेबसाइट आपको यूज़ करनी नहीं आती, आप लोग गलत तरीके से यूज़ करते हो, जिससे कि आपका वॉच टाइम डिक्रीज होगा ही होगा। उस एप्लीकेशन की गलती नहीं है, उस वेबसाइट की गलती नहीं है कि आपका वॉच टाइम डिक्रीज कर रहा है, आप लोगों की गलती है। आप लोगों को वो एप्लीकेशन यूज़ सही तरीके से नहीं करना आता, इस वजह से आपका मोनिटाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है काफ़ी बार और आपका वॉच टाइम भी डिक्रीज हो जाता है। मैंने काफ़ी इस पर वीडियो बनाया है और लोगों ने भी बोला कि भाई वॉच टाइम डिक्रीज क्यों हो रहा है। मेनली बात है डिक्रीज इसीलिए हो रहा है बिकॉज दोस्तों आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता सही तरीके से। आप लोगों को यूज़ कर ले सीख गए ना, चैनल मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और 2-3 दिन के अंदर अपने 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट कर लोगे, मेरी गारंटी। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो सही तरीके से, समझ लेते हो और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लेते हो, तो आपका 2-3 दिन के अंदर 4000 का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वो ऐप ब्राउजर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं मोबाइल स्क्रीन की ओर जाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे वो यूज़ करना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को स्किप किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर अभी आपने स्किप किया है तो भाई आपको इतना वीडियो देखा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अभी स्किप किया तो चल जाएगा, लेकिन अब मत करना ये स्किप क्योंकि मेन चीज़ अब आने वाली है। तो चलो मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। आपको YouTube में जाने के बाद में अपने चैनल पर चले जाना, ये मैं योर चैनल पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा चैनल है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको 2-4 घंटे का वीडियो बनाकर रखना है। मेनली बात है 4 घंटे तक का वीडियो होना चाहिए वरना पूरी मेहनत आपकी वेस्ट है। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू लिंक मैं यहाँ से कर लेता हूँ। कॉपी टू लिंक करने के बाद में आपको क्या करना है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सर्च करना होगा VPN। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ VPN, इसमें से आपको कोई भी एक VPN डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने सिक्योर VPN करके रखा हुआ है, तो ये आपको सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये रहा मेरा सिक्योर VPN एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको चले जाना है, इसमें जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिंपली ऑटोमेटिक सब कुछ आपको करके देगा, कोई करने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ करके देगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट होने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, तो आप जो भी मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन या वेबसाइट को यूज करते हो वो आपको कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो अपना वॉच टाइम का है जो मेरे पास है मल्टी ब्राउजर एप्लीकेशन वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। स्पाइटेक नाम का ये मेरे पास है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ और ये किसी के पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मेरे पास ही रहता है। तो मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूँगा, शेयर पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे थोड़ी टाइम के बाद हमारी जो स्क्रीन से वो यहाँ पर चलने स्टार्ट हो जाएंगी। चलने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आपको वॉच टाइम डिक्रीज होने से कैसे रोकना है। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको अपना लोकेशन का ऑप्शन आपको मैन ऑफ रखना है। आपको अपना लोकेशन का ऑफ रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, लोकेशन ऑफ करने के बाद ही सबसे पहले आपको वीडियो को लिंक कॉपी करने के बाद आपको लोकेशन को ऑफ करना है। मैंने लोकेशन ऑफ करना भूल गया था, लेकिन आपको वीडियो का लिंक कॉपी करने के बाद हाथों हाथ आपको लोकेशन ऑफ रखना है। फिर आपको अपना VPN वगैरह यूज करना। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरी 75 प्लस यहाँ पर स्क्रीन चलेगी और 75 प्लस मेरी यहाँ पर मेरा वॉच टाइम गेन होगा। अगर आपका 4 घंटे का वीडियो होगा तो आप देख लेना, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 घंटे का मेरा वीडियो है, ये देखते हैं 4 घंटे का इंटू 75 मतलब मेरे को 300 घंटे का वॉच टाइम ऐसे ही मिल जाएगा 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे की आपकी स्क्रीन चलेगी। तो सिंपली आपको ये तरीका यूज़ करना है, बहुत आसानी से आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा। और अगर आपका वॉच टाइम डिक्रीज होता है तो पहले बता रहा हूँ आपको लोकेशन को ऑफ रखना है, जिससे कि आपका वॉच टाइम बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होगा। और जितने ज़्यादा मोबाइल में आप लोग यूज करोगे उतना फ़ायदा होगा, जितने मोबाइल में आप लगा सकते हो उतना लगाना, आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।